आशुति आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या पल्लवी पटेल, जी हाँ अपना दल कामेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? यूपी में पल्लवी पटेल की साख दांव पर, यूपी में पल्लवी पटेल की छवि भी दांव पर है, उनकी पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है। जब से अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी को दरकिनार कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज से कुछ समय पहले दो पार्टियों का गठन किया था। पहली पार्टी अपना दल कामेरावादी थी, दूसरी अपना दल सोनेलाल थी। अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल है, जो एनडीए गठबंधन में इस बार मंत्रालय की गद्दी लेकर बैठी हुई, यानी राज्य मंत्री बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर है पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की सगी बहन, अपना दल कामेरावादी की मुखिया और मुख्य चेहरे। लेकिन इस बार वही मुख्य चेहरे यानी पल्लवी पटेल की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। पल्लवी पटेल इस बार राजनीति में उनका जो नाम है वो गिरता जा रहा है। कारण ये भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया था। दरकिनार करने के बाद पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी चिन्ह पर लड़ना चाहती थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के नाम पर प्रत्याशियों को उतारने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। यानी असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना था कि मेरा दबदबा हैदराबाद तक है, तो मैं अपना दबदबा वहीं तक रखना चाहूंगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसके चलते मेरी ही सीटें कम हो जाए। और वहीं कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को जो झटका अखिलेश यादव से और असदुद्दीन ओवैसी से लगता नजर आया है, अब उसी झटके की भरपाई कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल करना चाहती है। इसी के चलते आपको बता दें कि तमाम कयासों का दौर और सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो ये कहती हैं कि पल्लवी पटेल अब आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकती है, या यूं कहें कि अपनी पार्टी का गठबंधन कर सकती है, या फिर ये भी कहीं ना कहीं मुमकिन है कि एनडीए गठबंधन में पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती नजर आएंगी उत्तर प्रदेश की किसी ना किसी एक सीट से। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान भी कहीं ना कहीं करा था कि पल्लवी पटेल के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, और वह समीक्षा बैठक हुई भी। जी हाँ, अपना दल कामेरावादी के साथ समीक्षा बैठक की गई, लेकिन उस समीक्षा बैठक में पल्लवी पटेल जब पहुंची तो योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने तमाम तरह के प्रस्ताव रखे। लेकिन इन तमाम प्रस्तावों में अभी तक की जो स्थिति है वो ये बनी हुई है कि पल्लवी पटेल ने क्या गठबंधन के लिए हामी भरी है, क्या योगी आदित्यनाथ गठबंधन के लिए हामी भरते नजर आएंगे, क्या योगी आदित्यनाथ सच में पल्लवी पटेल को यानी अनुप्रिया पटेल की सगी बहन को एनडीए में या बीजेपी में शामिल कर सकते हैं या गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि यूपी में जनता सीटों पर उपचुनाव है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं राजनीति में एक बार फिर से कदम रखने के लिए, सक्रिय होने के लिए किसी पार्टी का साथ ढूंढ रही हैं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। तो क्या वो पार्टी बीजेपी है? क्योंकि हाल ही में जो कयास थे वो इस प्रकार के थे कि मायावती के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन अभी तक पल्लवी ने मायावती के साथ गठबंधन पर कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगाई है। हालांकि अब आने वाले समय में पल्लवी पटेल के गठबंधन के लिए आखिर क्या खबरें सामने आएंगी, क्योंकि पल्लवी पटेल पार्टी को मजबूत करना चाहती है, बीजेपी में शामिल होंगी या मायावती की ओर अपना रुख एक बार फिर मोड़ती नजर आएंगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।